हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं एडवोकेट राहुल चौधरी आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। दिल्ली एनसीआर से जुड़े हुए और आसपास के जो बड़ी सिटीज़ हैं उनसे जुड़े हुए लोगों को आज मैं एक नई काफ़ी हेल्पफुल वीडियो बनाने वाला हूं। क्या है कि जितने भी ज़्यादा सिटी होती हैं उनके आसपास कानून व्यवस्था काफ़ी ज़्यादा टाइट होती है और काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि कानून स्ट्रिक्ट होना भी चाहिए। ऐसे ही अदर सिटीज़ में या फिर कह सकते हैं छोटे क्षेत्रों में भी ये कानून व्यवस्था भी चलती है। तो आज मैं आपको जो वीडियो लेकर आया हूँ वो लेकर आया हूँ चालान से रिलेटेड। क्या है कि जितने भी वाहन वाहकों के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। क्या है, शहर किसी का कहीं ना कहीं कभी ना कभी कोई ना कोई छोटा मोटा चालान हुआ होगा, जिसके कारण क्या होता है कि पुलिस वाले वो जब चालान काट देते हैं, चाहे वो ट्रैफिक पुलिस वाले हों या अदर हो, तो उसकी वजह से आज की डेट में ऑनलाइन दुनिया की वजह से हमें ऑनलाइन चालान शो होता है। उस चालान को अपडेट कराने के लिए हमें कोर्ट में जाना पड़ता है। तो आज मैं आपको चालान किस तरीके से हटाना है और उसका कोर्ट में कैसे आवेदन देना है उसके बारे में बताऊँगा। आई होप आपको ये जानकारी काफ़ी अच्छी लगेगी। देखिए, जब भी हम कभी भी कोर्ट में जाते हैं और हमें कोई भी अपनी बात रखनी होती है तो उसके लिए हमें आवेदन एप्लीकेशन देनी पड़ती है। तो इसी तरीके से आपको आवेदन जो दे रहे हैं वो आपका सही हो, किस तरीके से हो, वो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कभी भी आपका कोई ऑनलाइन चालान पेंडिंग हो, कोई कट गया हो, आपको ना पता हो या आपको पता हो और फिर भी आप उस चालान को भर नहीं रहे हैं, तो आपके लिए वो दिक्कत भी कर सकता है। तो उसी रिलेटेड मैं आपको ये वीडियो बनाने वाला हूँ कि आपको किस तरीके से ऑनलाइन चालान का आवेदन और वो एप्लीकेशन किस तरीके से बनाई जाती है। तो चलते हैं और ऑनलाइन चालान की एक एप्लीकेशन बनाते हैं। तो सबसे पहले मैंने बताया कोर्ट का फॉर्मेट यूज़ करना है, क्योंकि कोर्ट में हम एप्लीकेशन देने वाले हैं। तो क्या फॉर्मेट है, सबसे पहले न्यायालय श्रीमान। अब जो आपका चालान कटा है वो किस थाने के अंडर में आता है और वो थाना किस कोर्ट के अंडर में आता है, उस कोर्ट का यहाँ पर नाम लिखिए। मान के चलिए जैसे लिखते हैं हम CGM, ठीक है, SD CGM न्यायालय गाजियाबाद, ठीक है। इसके बाद अब आपको यहाँ पर लिखना है नेक्स्ट में प्रार्थना पत्र संख्या, ठीक है, ऑब्लिक लगा के 2022 जो भी ईयर चल रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पर आप लिखना है आपको चालान संख्या, चालान संख्या जो भी आपका चालान कटा है, ऑनलाइन कटा हो या ऑफलाइन कटा हो, पीली पर्ची का चालान हो, जो भी है उसमें जो भी चालान नंबर लिखा है वो आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। इसके बाद आपको लिखना है सरकार बनाम गाड़ी ओनर का नाम, जैसे मान लीजिए सूरज, ठीक है। देन यहाँ पर आपको फिर लिखना है आपको धारा, किस धारा में कटा है, मान के चलिए MB एक्ट का है, ठीक है। MB एक्ट में है, थाना कौन सा है, मान के चलिए आपको थाने का नहीं पता है, आपको ऑनलाइन एक चालान कट गया था जिसकी आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं ट्रैफिक पुलिस, पुलिस, ठीक है। इसके बाद आपको लिखना है श्रीमान जी आवेदन वास्ते जुर्म इकबाल, ठीक है। इसे आपको लाइन करना है, ठीक है, लाइन कर सकते हैं या नहीं भी करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा आपको सुटेबल लगे, ठीक है।
यहाँ पर, इसके बाद आपको लिखना है निवेदन। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा है कि, ठीक है, अगर लड़का है तो प्रार्थी, लड़का है तो लड़की है तो प्रार्थनी, प्रार्थी का दिनांक, अब जिस डेट में भी वो चालान शो हो रहा है उसकी डेट डालनी, मान के चले 01/01/2022 को। अब अगर उसे पता है कि किस जगह पर आपका चालान कटा है तो उसका जिक्र करना है, नहीं पता है तो डायरेक्ट लिख देना है कि उसको चालान कटा था, को ऑनलाइन चालान कट गया था। अगर स्थान का पता है तो वहां पर हम स्थान भी जोड़ देंगे। ऐसी स्थिति में चालान का भुगतान अति आवश्यक है, ठीक है। यहाँ पर आपने दो बातें लिखी कि आपका इस तारीख में चालान कट गया था, दूसरी ऐसी स्थिति में उसे भुगतान अति आवश्यक है, नहीं तो प्रॉब्लम किसे होगी, वाहन स्वामी को, इसलिए वो यहाँ पर हमने बात का जिक्र कर दिया है, ठीक है। इसके बाद मैं थोड़ा सा ये मिटा देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा, दिख जाएगा, आई होप आपको दिख रहा होगा। अब हमें अपनी प्रार्थना लिखनी है, अतः श्रीमान, ये प्रार्थना है, जी से प्रार्थना है कि प्रार्थी का चालान कम से कम रुपये में भुगताने के आदेश पारित करके प्रार्थी को दंडित करने की कृपा करें, ठीक है। ये आपकी हो गई है एप्लीकेशन, यहाँ पे आपको लिखना है प्रार्थी कोने में, ठीक है, अभियुक्त, ठीक है, यहाँ पर लास्ट में द्वारा अधिवक्ता, ठीक है। यहाँ पर आपके जो भी आपका वकील होगा उसकी मोहर लगेगी, उसके साइन होंगे, यहाँ पर आपके साइन होंगे, यहाँ पर दिनांक डाला जाएगा, ठीक है, और बाकी आपका जो भी आपने वकील किया होगा वो अपने हिसाब से जज साहब से प्रेयर कर लेगा, प्रार्थना कर लेगा कि कम से कम में चालान को भुगताने की कृपा करें।